जय माँ रायरपुर जहाँ श्री अरविंद के दिव्य देयांश हैं और बाबा जी महाराज का जन्म स्थान है और, और दिव्य देहांश के 40वां स्थापना दिवस है उस संदर्भ में एक छोटी सी प्रस्तुति उसकी रिक्वेस्ट की गई है और विषय है श्री अरविंद और भगवत गीता पंद्रह मिनट का विषय है विषय तो आनंद है सबसे पहले कृतज्ञता श्री अरविंद माता जी के प्रति जहाँ भी उनके रिलिक्स हैं ये वास्तव में उन्हीं की कृपा से संभव है वरना तो लोग आ नहीं पाते हैं यहाँ भी नहीं आ पाते हैं पास आके चले जाते हैं बिल्कुल करीब करीब आ कर के तो ये उनकी श्री अरविंद माता जी तो जीवन में उन्होंने केवल देना ही आता था जो मैंने उनके जीवन को अगर कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा भी पढ़े तो उनसे एक चीज़ जो सीधा सीखता है वो है टू गिव टू गिव टू गिव मोर एंड मोर टू गिव मोर एंड मोर टू गिव एंडलेसली किंतु ये गिविंग उनका uh, इस प्रकार से नहीं था जैसे एक हम तमस्या आच्छादित होकर देते हैं उसके पीछे सदैव एक आध्यात्मिक uh, ऊर्जा और आध्यात्मिक प्रज्ञा कार्य करती थी सुपरमेंटल प्रज्ञा तो वो वो देना केवल कोई ना वो चाहते थे किसी प्रकार का मास मूवमेंट बनाना शेरविंद माता जी इसके बारे में बहुत स्पष्ट थे और हैं कि ये काम कुछ लोग हैं जिनको ये काम दिया गया है इस पथ पे आगे बढ़ने का और वो इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब वो मूवमेंट कुछ लोगों में रहता है तो कंसनट्रेटेड रहता है वरना वो डाइल्यूट होने लगता है और उसकी अपनी समस्या है वो एक रिलीजन की तरफ जाता रहता है तो ये उन्होंने बड़े स्पष्ट इसके संकेत दिए हैं और फिर उनके ध्वजवाहक बनकर संदेशवाहक बन के जगह जगह पर उनके बच्चे गए हैं तो उनमें से बाबा जी महाराज का तो अग्रणी स्थान है ना केवल उड़ीसा बल्कि और भी कई जगहों पर उनसे इंस्पायर्ड हुए हैं सेंटर्स एक कैलिफोर्निया में है फॉर एग्जांपल श्री अरविंद साधना पीठम तो बाबा जी महाराज ने नाम दिया है वो स्वयं नहीं गए थे लेकिन उनके ही बताए रास्ते पर उनका रास्ता बड़ा सरल सबसे अच्छी बात उनकी ये थी कि वो स्वयं भी एक सरलता सहजता के जागृत उदाहरण थे और साथ में जो वो कहते थे बहुत सिंपल चीज़ें जो इंसान ग्रहण भी कर सकता है और प्रैक्टिस भी कर सकता है तो दो बातें जो मुख्य थी उनकी बताई हुई जो स्मरण रखनी चाहिए वो बहुत पावरफुल हैं बहुत इफेक्टिव हैं ये एक है माँ का नाम जप व्यक्ति के लिए नाम जप और समूह के लिए पाठचक्र तो इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल वे कि व्यक्तिगत रूप में आप नामजप करो नाम जप बहुत बड़ी साधना है और पूरे समूह को जोड़ने के लिए पाठचक्र बाद में इंटीग्रल स्कूल्स खुले दाली छोड़ा क्षेत्र का विकास हुआ मेनली बाबा जी महाराज फिर उनके साथ प्रपत्ति जी बहुत सारे लोग जुड़े एक के बाद एक परंतु ये दोनों बहुत अग्रणी रहे इसमें चंपक जी बहुत उनको दोनों के बीच में बड़ा सुंदर घनिष्ठ संबंध था कई बार दोनों एक साथ गए हैं जगह जगह पर उनकी अद्भुत कहानियाँ हैं तो वो एक माता के बच्चे उनकी लीला और इसी काम को यहाँ पर ये आवश्यक है ये कहना कि गदाधर जी जिनकी अभी जो अभी माता जी के पास हैं और अपनी मेरा ये मानना है कि वो वहाँ से अपने ढंग से उड़ीसा के काम से जुड़े हुए हैं तो वो भी एक अभी 29 फरवरी को उसके ऊपर हम लोगों ने बात भी की है वो भी माता जी के अग्रणी ध्वजवाहकों में से थे जो बाबा जी से इंस्पायर्ड हुए कई ऐसे लोग हैं और उन्होंने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया तो विषय है इस संक्षिप्त बैकग्राउंड के साथ विषय है श्री अरविंद और भगवदगीता गीता ने श्री अरविंद और सीमा दोनों के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग अदा किया है श्री अरविंद का पूरा टर्निंग पॉइंट आता है जब वो अलीपुर जेल में जाते हैं और वहाँ वो कहते हैं पहली बार कि श्री श्री कृष्ण आए मेरे पास उन्होंने गीता मेरे हाथों में रख दी और उसकी शक्ति ने मेरे अंदर प्रवेश किया अब ये कोई फिजिकल बुक की बात नहीं हो रही है ये उन्होंने स्पष्ट किया है उन्होंने भगवत गीता का एक सूक्ष्म सत्य है प्रत्येक स्क्रिप्चर का एक स्थूल सत्य होता है और एक उसका सूक्ष्म सत्य होता है जो शब्दों के जाल में उलझे रहते हैं वो केवल उसके स्थूल सत्य को पकड़ने की चेष्टा करते हैं और जो जो अभीपसा हैं शब्दों के जाल में कौन फंसे रहते हैं जो उलझे रहते हैं जो केवल शब्दों को ध्यान देते हैं जो पांडित्य की खोज है पांडित्य की भी खोज बहुत बड़ी लालसा होती है कि हमने ये पढ़ लिया हमने गीता के सारे श्लोक याद कर लिए अब हम भगवद गीता पर टॉक देंगे ये एक पांडित्य की खोज होती है जिसके पीछे एक प्रकार का एक एम्बिशन होता है सात्विक भाव भी होता है कई बार तो वो एक शब्द का जाल होता है जिसमें लोग उलझते हैं और दूसरा होता है अभीप्सा रथ अभीपसा रथ जो सत्य को जानना चाहता है श्रीमद्भगवद गीता में क्या सत्य है श्री कृष्ण कौन है क्या हमें बताना चाह रहे हैं वो उसको एक उनकी चिट्ठी या उनका एक डॉक्यूमेंट उनकी विरासत के रूप में पढ़ता है तो वो अलग ढंग से गीता उनको रिवील होती है तो यहाँ पर श्री अरविंद का स्पष्ट संकेत है कि उन्होंने जब उनके हाथ में गीता रखी और गीता की शक्ति ने प्रवेश किया तो वो समझ पाए कि वास्तव में गीता क्या कह रही है और उसमें एक बड़ी सुंदर सी चीज़ है इसको उत्तरपाड़ा भाषण में कहते हैं और वो एक लाइन में एक प्रकार से उन्होंने समराइज़ की है इस बात को उन्होंने कहा है कि मैंने ये जाना कि हमें कर्म कैसे करना चाहिए एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है उत्तरपाड़ा भाषण में आपको मिल जाएंगे लेकिन उसकी मूल चीज़ ये है कि हमको कर्म सुंदर ढंग से पूजा की भांति करना चाहिए ये नहीं कि हम उसको कैसे भी कर दें ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि गीता को पढ़ के लोग ये विड्रॉ करते हैं कि फिर क्या फ़र्क पड़ता है चूँकि हमको निष्काम भाव से कर्म करना है इसलिए हमको सफलता विफलता के प्रति संभाव रखना है तो हम कैसे भी कर्म कर दें श्रीविंद कहते हैं कि नो यू हैव टू डू इट केयरफुली क्योंकि वो तुम्हारी पूजा है तुम्हारी सेवा है और उसको निष्काम भाव से भगवान को अर्पण करके कर्म करना ये बात बड़ी सिंपल सी है लेकिन इसको जब प्रैक्टिस में लाते हैं तो हम देखते हैं कि पूरा एक जीवन कम पड़ जाता है प्रारंभ में व्यक्ति किसी भी कर्म के शुरू और अंत में करता है प्रारंभ में व्यक्ति कुछ कर्मों को जिसको समझता विशेष है उसको ऑफर करता है फिर धीरे 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 सर्वकर्माणी के स्टेट में आता है तो श्री अरविंद के लिए गीता केवल एक पुस्तक नहीं है वो है जो उन्होंने सिद्ध की हुई थी अपने अंदर और कुछ पुस्तकें जो उनके साथ थीं जेल में उनमें से एक गीता थी जिसको पढ़ते भी थे उसको वो, उन उन्होंने उस पर उनके रिमार्क्स भी हैं जगह जगह कहीं कहीं अंडरलाइन भी किया है और यह पुस्तक उन्होंने आने के पहले चारू चंद्र दत्त को दी थी जो उनके साथ थे और चंद्र दत्त को उन्होंने चिट्ठियाँ भी लिखी और भी कई चीज़ें दी थी लेकिन उनको बड़ा गुस्सा आ गया था कि श्री अरविंद क्यों छोड़ के चले गए पॉलिटिकल फील्ड को तो उन्होंने वो सारी चीज़ें जला दी थी सिवाय इस भगवत गीता के तो जब वो यहाँ पर आते हैं तो वो भगवत गीता अरविंद को माता जी के थ्रू देते हैं कि उन्होंने मुझे दी थी मैं बहुत मूर्ख रहा और क्या कहा जा सकता है और वो कहते हैं कि ये उन्होंने दी थी अब मैं यही उनको भेंट कर रहा हूँ अगले दिन माता जी ले आए कहा शेरविंद ने एक बार पहले तुम्हें वो गीता दी थी अब वो फिर से यह तुम्हें दे रहे हैं तो इट वॉज ए वेरी टचिंग एपिसोड और शेरविंद को अगर हम देखें उनके जीवन को तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो पौंडीच्री आने के पहले बिल्कुल स्पष्ट दिखता है कि उन्होंने जीवन मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली थी लेकिन शे अरविंद ये बताते हैं कि जीवन जिस जीवन मुक्ति की बात शे अरविंद करते हैं वह जीवन मुक्ति ट्रेडिशनल जीवन मुक्ति से अलग है अंतर क्या है ट्रेडिशनल जीवन मुक्ति जो गीता का ध्येय है गीता आपको जीवन मुक्त अवस्था में ले जाती है गीता की महानता ये है कि वो जीवन में रहते हुए जीवन में सब कर्म करते हुए आपको मोक्ष की ओर ले जाती है बहुत विशाल पथ है और तीसरी चीज जो गीता के बारे में बहुत विशिष्ट है कि ये केवल कर्मयोग नहीं है कर्मयोग की तो शेरविंद कहते हैं इट इज़ द ग्रेटेस्ट गॉस्पिल ऑफ वर्क एवर रिटर्न तो अगर कर्मयोग की कोई पुस्तक है तो सर्वोत्तम है लेकिन गीता केवल कर्मयोग नहीं है गीता को शेरविंद त्रिमार्ग बताते हैं पूर्ण योग की एक बहुत सुंदर तैयारी है इसमें जिसमें कर्म ज्ञान और भक्ति तीनों का समन्वय है तो भगवत गीता प्रारंभ कर्म से कर होती करती है कर्मयोग से करती है क्योंकि कर्म हम सब के लिए सहज स्वभाविक है फिर वहाँ से वो हमको ज्ञान की ओर ले जाती है क्योंकि अगर हम कर्म करेंगे तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि हम कर्म किस आधार पर करें तो बिना ज्ञान के आधार के यदि हम कर्म करते हैं तो वो कर्म बहुत बार कन्फ्यूजन अपने अंदर भी और संसार के अंदर भी क्रिएट करता है लेकिन ये ज्ञान का आधार केवल कर्म की टेक्निकल नॉलेज नहीं है हमारी आंतरिक अवस्था है तो टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए जो हम कर्म कर रहे हैं ये नहीं कह रहे हैं कि कैसे भी कोई भी काम कर लो लेकिन हमारे अंदर जो इनर आधार हमारी हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए हमारी आंतरिक अवस्था क्या होनी चाहिए जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं युद्ध अगर थ्रष्ट हम पर किया जाए अगर कोई युद्ध की ऐसी अवस्था आ जाए जहाँ युद्ध करना अनिवार्य हो गया है ये नहीं कि गीता ये नहीं कहती कि तलवार लेके या बंदूक लेके निकल जाओ और इसको मारो उसको मारो नहीं लेकिन कभी कभी ऐसे क्षण होते हैं व्यक्ति के जीवन में या राष्ट्र के जीवन में जब युद्ध अनिवार्य हो जाता है उसका कोई और पर्याय वस्ता नहीं है तो उस समय युद्ध अगर करना है तो युद्ध करो लेकिन मत करो हिट नॉट ये एक आंतरिक ज्ञान की अवस्था आपके अंदर बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आंतरिक ज्ञान नहीं होगा ज्ञान में आप स्थित नहीं हो आपकी प्रज्ञा स्थित नहीं है तो आपको भ्रमित करेगी और वही कर्म जो आपके लिए मोक्ष का मार्ग बन जाए बन सकता है अगर हम गीता के अनुसार चलें तो वही कर्म आपको बांधेगा बांधेगा कैसे कर्म नहीं बांधेगा कर्म के पीछे जो आपके मोटिव्स हैं कामनाओं के वशीभूत होकर अगर आप कर्म करोगे तो वो बांधेगा कर्म नहीं बांध रहा है हमें कामनाएं बांध रही हैं और अगर आप कामनाओं से मुक्त होकर कर्म करते हो तो वो कर्म आपको मुक्त करेगा क्योंकि आप कर्म तो कर रहे हो लेकिन इसके पीछे आपका जो मोटिव है वो भगवान की सेवा है भगवान का पूजन है तो ये संक्षेप में बहुत बड़ा विषय है इस पर बहुत कुछ बात हो सकती है तो शेरविंद उस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं लेकिन जैसी बात हुई कि जीवन मुक्त की जो अवस्था है शे अरविंद अपनी एक कविता जीवन मुक्त में उसको डिस्क्राइब करते हैं और वहाँ कहते हैं कि ये ट्रेडिशनल जीवन मुक्ति के उससे थोड़ा अलग है तो ट्रेडिशनल जीवन मुक्ति में क्या होती है गीता में स्वयं इसकी में इसका संकेत है कि अर्जुन तुम सभी पाप भय से मुक्त हो जाओगे यदि तुम इस पथ का अनुसरण करोगे जब तुम कर्म करोगे तो तुम त्रिगुण के ही फिर घेरे में उतर के करोगे तो उससे तुम्हारे अंदर सत्व रजस तमस यही एक्टिव होंगे क्योंकि वही जो प्रकृति की शक्तियाँ हैं वो कार्य कर रही हैं लोअर नेचर है तो लोअर नेचर एक्टिव होगा लेकिन अंदर में तुम भगवान की शरणागति रहोगे यानी हमारे अंदर एक विभक्त होगा विभक्ति होगी एक और हम बाहर सारे कर्म कर रहे हैं और दूसरी ओर अंदर में कोई भाग है हमारा जो उससे मुक्त है उससे टच नहीं हो रहा है अब इससे बहुत सारे प्रकार के कंक्लूजन्स निकाले जा सकते हैं पर उससे मैं नहीं जा रहा हूँ इसको विधेय मुक्ति भी कहा गया है आप देखते हैं राजा जनक को जब नारद ने देखा तो उनको समझ नहीं आया ये नारद एक और तो सिंहासन पे बैठे ये जनक एक और सिंहासन पे बैठे हैं काफ़ी उनको सैंडलवुड पेस्ट भी लगाया जा रहा है <laughs> तेल भी लगाया जा रहा है नृत्य हो रहा है गीत हो रहा है तो उनको समझ नहीं आता है कि ये ये कैसी अवस्था है मुझे इनके पास क्यों भेजा गया है क्या सीखने के लिए ये कैसे ब्रह्म हो सकते हैं तो वो जीवन मुक्त की अवस्था है जहाँ हम बाहरी जीवन से किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होते हैं और हमारा कोई भी कर्म उससे प्रभावित होकर नहीं होता है वो अंदर की प्रज्ञा के द्वारा वो डायरेक्टेड होता है सो इट इज़ स्लोली इट टर्न्स इनटू ए गॉड ड्रिवन एक्शन अब वहाँ श्री अरविंद इसको विस्तार में ले जाते हैं कि जो जीवन मुक्त है आखिर उसके अंदर से जो कामनाओं के कारण हम कर्म करते हैं वो बात चली गई है तो कर्म क्यों करेगा क्योंकि ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग यही है कि आप कामनाओं से प्रेरित होकर कर्म करते हो और वो कैसे झलकता है हमको हमें क्या मिलेगा काम निष्काम सकाम सो so, सकाम क्या है मुझे क्या इस कर्म से प्राप्त होगा अगर कोई कह दे कि आपको इससे कुछ नहीं मिलेगा तो अधिकांश लोग कर्म नहीं करेंगे ये एक ऑर्डनरी लाइफ की बात कर रहा हूँ लेकिन कुछ लोग हैं जो बिना बाहरी कोई रिजल्ट के भी कर्म करते हैं जैसे ज्ञान की प्यास होती है कुछ लोगों के अंदर स्वधर्म से प्रेरित होकर वो देश के लिए अपना त्याग करते हैं बलिदान करते हैं तो ऐसा नहीं कि संसार में केवल सकाम कर्म होता है लेकिन और भी कई चीज़ें हैं कर्म की लेकिन कामना एक बहुत प्रबल रूप से मनुष्य को पकड़ती हैं तो निष्काम कर्म श्री अरविंद बताते हैं कि बहुत पावरफुल मेथड है ऐसे जौदा गीता में भी बताते हैं कि यदि तुम कुछ ना कर पाओ तो केवल निष्काम कर्म अगर करोगे तो यही तुमको मुक्ति के मार्ग पर ले जाएगा ऐसे जौदा गीता में वो स्टेप बाय स्टेप कर्मियों के छः पॉइंट्स बताते हैं स्टेप्स बताते हैं और कहते हैं कि लेकिन अगर तुम केवल इतना प्रैक्टिस कर लो निष्काम कर्म यानी कि मुझे कामनाओं से अटैचमेंट नहीं है बाकी मैं कर रहा हूँ अब उसमें बाकी क्या कर रहे हैं कामनाओं कामना एक होती है कर्म में आपका रिजल्ट दूसरा होता है कर्म और तीसरा होता है कि कर्मी कौन कर रहा है ये तीन चीज़ें होती हैं कर्म में तो निष्काम कर्म मतलब अब मैं फ्रूट से अटैच नहीं रहूँगा एक आम व्यक्ति वहाँ रुक जाता है एक एक कर्मयोगी की बात कर रहा हूँ लेकिन कर्म आप कौन सा चुनोगे वो भी तो एक बात आप कर्म इसलिए चुन सकते हो क्योंकि आपका नीच का इसमें कहीं ना कहीं या तो ऑर्डनरी कोर्स ऑफ लाइफ में आपको वो स्टेशन दे दिया गया है आप वहाँ से कर्म कर रहे हो लेकिन यहाँ पर गीता एक क्लू देती है स्वधर्म कि आप कर्म उस प्रकार से चुनोगे जो आपके स्वधर्म से ये एक इंडिकेटर है हमारे अंदर वो अपने आप में एक बड़ा विषय है दूसरा अगर इफ़ यू आर वेरी फॉर्चुनेट कि भगवान आपको स्वयं बताएं कि तुम्हें ये कर्म करना है तो फिर तो सारी समस्या हल हो जाती है तो दूसरी चीज़ होती है कर्म फल के बाद कर्म का चुनाव कौन सा कर्म चुनोगे अब ये दोनों अगर ना हो तो कैसे चुनोगे तो आप माँ इसको सॉल्व करती हैं टू चूज विदाउट प्रेफरेंस एंड एक्सिक्यूट विदाउट डिजायर पहले स्टेज में ट्रेनिंग के रूप में जो भी काम आपके हाथ में आएगा आप उसको करोगे पूजा के रूप में आप मन को उलझाओगे नहीं उस समय अरे मुझे क्या करना चाहिए था आप ट्रेनिंग करो ना पहले आप सीधा समुराई बनना चाहते हो समुराई बनने के पहले आपको झाड़ू पोछा लगाना होता है हाथ में तलवार सीधी नहीं पकड़ाई जाती है तो जो भी काम आप कर रहे हो आप उसमें माँ बड़ा सुंदर इसमें मंत्र देती हैं वट एवर यू डू टेक प्लेजर इन ऑल यू डू बट डू नॉट डू एनी थिंग फॉर द सेक ऑफ प्लेजर आपको जो काम दे दिया गया उसको आनंद से करो पूजा के रूप में ऐसा करते करते एक समय आएगा यानी उस समय आप कर्म को डिसाइड ना माँ की प्रेरणा है ना स्वधर्म को आप जानते हो लेकिन हमारे अंदर आपकी जो बुद्धि है उसके अनुसार बुद्धि योग के द्वारा जो आपको बेस्ट लग रहा है हाइएस्ट लग रहा है अपने गोल को केंद्र में रख के आप वो कर्म करोगे या नियति ने आपको जहाँ पर खड़ा कर दिया है वो कर्म करोगे लेकिन आप उस कर्म को भगवान को निवेदित करके करोगे आप ये कर्म कर रहे हो क्योंकि योर इवोल्यूशन है ब्रॉट यू वेयर यू आर तो आप उसको भगवान को ऑफर करके कर रहे हो करते करते एक समय आएगा कि अगर आपको कोई विशेष कर्म के लिए भगवान तैयार कर रहे हैं तो वो अपने आप आपकी सिचुएशन सर्कमस्टांसेज अंदर की प्रेरणा ये सब वैसी हो जाएंगे एंड एवरीथिंग विल चेंज फिर तीसरा आता है कर्मी कि ठीक है हमने स्वधर्म के अनुसार कर्म कर रहे हैं या भगवान ने जो काम दिया वो हम कर रहे हैं और कर्म की हमको फल की आशा नहीं है लेकिन हम फिर भी जुड़े हो सकते हैं इस भाव से मैं कर रहा हूँ मैं करता हूँ ये सबसे बड़ा इल्यूजन है क्योंकि कई बार हम उसमें भी ये मान लेते हैं कि हम भगवान के इंस्ट्रूमेंट हैं भगवान की विभूति हैं और लोग तो हैं ही हैं आपको चने के झाड़ पे जिसको कहते नहीं चढ़ाने के लिए मैं ये उक्ति नहीं यूज़ करता हूँ चने के झाड़ पर चढ़ाना मैं करता हूं, कहता हूँ कहता हूँ गड्ढा खोदना तो अगर कोई आपकी बहुत प्रशंसा कर रहा है तो अगल बगल देखना कि कितना गहरा गड्ढा आपके लिए खोदा जा रहा है हाँ दफन मत हो जाना संभल के चलना क्यों क्योंकि अगर हमारे अंदर ये भाव है कि मैं कर रहा हूँ तो आपने ये दोनों स्टेप्स तो मास्टर कर लिए लेकिन तीसरे स्टेप पे आप बुरी तरह गिरोगे आई एम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड तो यहाँ पर क्या करेक्टिव आपको लाना है कि करने वाला भी भगवान है अब यहाँ पे समस्या होती है अगर भगवान करने वाला है तो मैं क्या क्यों करूँ कुछ तो शेरिंद कहते हैं हमारा काम है उनकी ओर खुले रहना रिसीव करना ये प्रश्न लोगों के अंदर आता है कि भाई हमें भी कुछ करना है सब तो भगवान कर रहे हैं सब ही नचावत राम गुस्साएं हाँ लेकिन भैया भगवान नचा रहे हैं सबको लेकिन आप ये भी तो कह सकते हो मैं नहीं नाचूंगा या ये कह सकते हैं नचाओ आपके अनुसार नाचूंगा ये चॉइस तो फिर भी आपकी रहती है तो भगवान अपनी ऊर्जाएं और शक्तियां जो आपके अंदर डाल रहे हैं और यहाँ शेयरविन जीवन मुक्त के अंदर ये फर्दर डेवलपमेंट ले आते हैं कि आप उनको कर्ता भाव से पूरी तरह मुक्त होकर रिसीव करोगे खुल करके और अपने पूरे बींग को मन प्राण हृदय शरीर पूरा केवल एक चैनल मात्र रहेगा चीज़ें आई और चली गईं अभिव्यक्त हो गई और जो आपको करना था वो भगवान ने कर दिया आप केवल एक माध्यम बने ये आपके लिए बहुत बड़ा प्रिविलेज है ये आपके और भगवान के बीच में उसमें आनंद है तो उसके आगे और पीछे ना आप उसके बाद उसके बारे में सोचोगे कि मैंने इसलिए कई बार मुझे तो बहुत अजीब लगता है आ, मैं श्री अरविंद केंद्रों की भी बात कर रहा हूँ या सोसाइटी में भी कई बार कि आप फोटो खींच के लोग डालते हैं कि हमने ये किया ये वास्तव में स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन में नहीं होना चाहिए क्योंकि यदि आप इस भाव से जी रहे हैं कि ये कर्म भगवान का है तो आप ये अपना महिमा मंडन कैसे कर सकते हैं चाहे वो आपकी फ़ोटो हो या किसी और की फोटो हो हम ये मैसेज नहीं दे सकते हैं संसार को कि हम वही सब कर रहे हैं जो बाहर होता है तो हमारा एटीट्यूड तो ये होना चाहिए कि हम नहीं हैं तो कौन कर रहा है फोटो लेके कि, किसी केंद्र में क्या एक्टिविटी हो रही है उसके बाद उसको छापना प्रदर्शनी होना ये सब स्पिरिचुअल लाइफ के साथ मेल नहीं खाते हैं तो ये अब यहाँ पर लोगों ने कितने कितने प्रकार के काम किए हैं कभी आप नहीं देखोगे कि वो अपनी उनकी महिमा का बखान हो रहा हो सब जगह केवल माँ श्री अरविंद की तस्वीरें हैं बाई चांस उनके साथ किसी की तस्वीर है तो उन धन्य हैं भाग तो ये श्री अरविंद माता ने भी श्रीमद भगवद गीता को का सत्य रियलाइज़ कर लिया था आने के पहले और माँ ये चीज़ बताती हैं कि उनके हाथ में किसी ने बड़ा बहुत ट्रांसलेशन फ्रेंच का उनके हाथों में दी थी और बस माँ ने देख के इतना समझ लिया कि श्री कृष्ण कौन है इमिनेंट डिवाइन हमारे अंदर जो अंतर्यामी प्रभु है बस उसी को लेकर के उन्होंने सारा सत्य उसका रियलाइज़ कर लिया तो वो तो माँ है और वो रास्ता दिखा रही हैं तो ये दोनों के जीवन में और भगवत गीता बहुत बड़ी प्रिपरेशन है अगर हम सही ढंग से कई चीज़ें उसमें जैसे समता समर्पण कई चीज़ें हैं गीता में जो बहुत अच्छी तरह से हमको तैयार कर सकती हैं शेयरविंद के योग में एंट्री के लिए लेकिन एंट्री के लिए यह मानना है कि श्रीमद गीता में पूरा मैसेज है शेरविंद का तो गलत होगा माता जी शिरविंद ने इसके बारे में पूरी तरह क्लियर कर दिया है वो एक बेस है फाउंडेशन है जैसे वेदांत एक बेस है बहुत बड़ा बेस है बेस है लेकिन क्या चीजें हैं जो श्री के योग में नवीन आ जाती हैं जो श्रीमद गीता में नहीं है पहला है रिजेक्शन क्योंकि श्री कृष्ण रिजेक्शन की बात नहीं करते हैं बल्कि वो ये कहते हैं कि हाउ विल कोर्स एंड हेल्प तुम तो प्रकृति के अनुसार चलोगे ही चलोगे तुम अपने प्रकृति को जानबूझकर सप्रेस करके कि नहीं मैं सन्यासी बन जाऊंगा ये मिथ्याचार होगा और ये सही बात है लेकिन एक अंश सत्य है कि तुमको तो हाउ विल तुम अपने उसको सप्रेस कर रहे हो कोर्स कर रहे हो ये क्यों कर रहे हो तुम प्रकृति के मार्ग से चलो लेकिन भगवान को अर्पण करते हुए चलो तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है गीता एक ऑलमोस्ट लाइक जुडो आपको बता दी कि आप करोगे प्रकृति आपको ले जा रही है आप वो कर्म कर रहे हो लेकिन डू इट टर्न इट इनटू ए योगा लेकिन श्री अरविंद इसको ऐसे जानता गीता में कहते हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्टिंक्शन है वो कहते हैं कि मान लो कोई जज है उसका ये काम है नियति ने उसको ये काम सौंप दिया है कि उसको अकॉर्डिंग टू जो लॉ है लैंड है कि आपको उसके हाथ काट देने हैं या फांसी लटका देनी है मैं थोड़ा टेक इट विद टच ऑफ सॉल्ट तो क्या उसको वह करना चाहिए अगर उसके हृदय के अंदर एक भाव जाग गया है कि ऑल कैपिटल पनिशमेंट इज बैड तो क्या उसको जो प्रकृति की पुरानी गति है उसमें चलना चाहिए या नई धारा में मुड़ना चाहिए तो शी अरविंद स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये जो नई धारा उसके अंदर अब निकलने लगी है उसको उसको फॉलो करना चाहिए तो यहाँ पर एक चेंज ये है कि रिजेक्शन तो आपको रिजेक्ट करना है लोअर नेचर की जो प्रवृत्ति आपको यहाँ तक ले आई है बहुत अच्छी बात है ले आई यहाँ तक लेकिन उसी को अगर हम फॉलो करते जाएंगे तो वो फिर आपको नचाएगी तो इसलिए रिजेक्शन एक पहली चीज अलग है दूसरा श्रीमद गीता में रूपांतरण की बात नहीं है वहाँ इंस्ट्रूमेंट आपके मानवीय हैं और त्रिगुण के ही जो कर्म होगा वो त्रिगुण के अनुसार होगा सोल आपकी फ्री होगी आपकी जीवात्मा भगवान में सतत निवास करेगी बहुत बड़ी उपलब्धि है इसको हम ट्रिविलाइज नहीं कर सकते हैं लेकिन ये काफ़ी नहीं है क्योंकि श्री अरविंद के योग में तीनों गुणों का भी रूपांतरण है तो तमोगुण शाश्वत शांति में बदल जाता है रजोगुण शाश्वत शक्ति में बदल जाता है और सतगुण शाश्वत प्रकाश और शाश्वत ज्ञान में बदल जाता है और दूसरा इंस्ट्रूमेंट्स इंस्ट्रूमेंट से मतलब है मन हृदय फिजिकल बॉडी वाइटल ये सब को एक यानी आपकी ऊर्जा अब आप मानवीय ऊर्जा की जगह दिव्य ऊर्जा होनी चाहिए डिवाइन शक्ति आपका माइंड जिसकी एक सीमाएं हैं वो एक स्वतः स्फूर्त परम प्रकाश और उस ज्ञान के नित निरंतर बरसती हुई उसमें प्रकाश की गंगा में नहाना चाहिए और ये केवल इतना आसान नहीं है जितना कहते हैं हम क्योंकि मन तो हमारा टूट जाएगा अगर वो प्रकाश सीधा उतरे तो धीरे धीरे मन को तैयार करती हृदय अब हम ये नहीं कह सकते कि जैसे अर्जुन ने प्रारंभ किया था मैं अपने कुल का ही हूँ तो धीरे धीरे आपका हृदय अब पूरी तरह भगवान को समर्पित है नाउ यू बिलोंग टू गॉड फुल्ली कंप्लीटली आप सबके साथ हो लेकिन आप बिलोंग करते हो भगवान को और आपके सारे संबंध ओरिएंट होते हैं कोई चीज़ छोड़ी नहीं जा रही है पर अब उनसे आप एक नए ढंग से संबंध जोड़ते हो वो भी भगवान के हैं आप भी भगवान के हो उसी प्रकार से आपकी प्राण की ऊर्जा और यहाँ तक कि शरीर और उसकी एक एक चीज़ वो तो पूरा शरीर का योग है ये सब यंत्रों का रूपांतरण और फाइनली क्योंकि भगवदगीता मुख्यतः एक वेदांतिक धारा से निकली है तो दो प्रकार की धाराएं वेदांत और तंत्र तो भगवत गीता में डिवाइन मदर की बात नहीं है पासिंग मेंशन है परा प्रकृति जीवभूता जगह जगह जब वो श्री शी श्री कृष्ण कहते हैं मेरी ही माया है तो लेकिन वो एक्सप्लिसिट नहीं है तो श्री अरविंद ये तो हम सब जानते हैं ये योग पूरा का पूरा सीमा पर आधारित है तो ये और कुछ छोटे डिटेल्स हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ये तीन मुख्य डिफरेंस हैं सीमद भगवद गीता के योग में और श्री अरविंद के योग में तो श्रीमद्भगवद गीता एक बड़ा सुंदर बेस है एंट्री पॉइंट है लेकिन अगर इस योग में आगे बढ़ना है तो फिर हमको पूरी तरह श्री माँ की शरणागति होना है और और भी बहुत कुछ है उनको पूरा सरेंडर करके ना केवल अपनी सोल किंतु अपनी सारी गतिविधियाँ अपने सारे कर्म क्रियाएँ और यहाँ तक कि सारे यंत्र उपकरण उनके चरणों में शेष निशेष समर्पित करके फिर वो आगे का द्वार खुलता रहता चला जाता है जय माँ